का ही फासला है, लेकिन यहां पे पंजाब थंडर के पास मौका है कि उसे दो अंक का बना ले। गुरप्रीत गोपी निकल पड़े हैं पहले रेड के साथ और उनके सामने चार स्टॉपर्स यो-यो टाइगर्स के। बहुत बहुत खूबसूरत मुकाबला चल रहा है और बहुत कांटे का, क्योंकि पहले क्वार्टर में ही 9 स्टॉप्स कर लिए हैं दोनों टीम्स ने कंबाइंड। 5 किए पंजाब थंडर ने, क्या यहां पे पांचवा कर पाएंगे अपने लिए? जगदीप काका, पकड़ उनकी मजबूत है और स्टॉप जी हां यो-यो टाइगर्स के पक्ष में ही मिलता हुआ। क्या इसे रेफर करना चाहते हैं यादा सुरपुरिया? पहला रेफरल होगा इस क्वार्टर में। कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ आ चुके हैं अंजुम चोपड़ा, शुक्र दमायन और कोच जो कि आज के पोथरे बॉय भी हैं। पोथरे मैन खड़े होते हुए जान के देख रहे हैं कि जैसे ही उनके रेडर को पकड़ा गया था काका द्वारा, वैसे ही उसने इशारा कर दिया कि आप प्लीज रेफरल ले लीजिए। कोई खास वजह इस रीप्ले से देखने पर तो नहीं पता चल रही, पर जी हाँ यहां से दिख रहा जरूर है कि शायद डबल टच लगा था। और जैसे ही काका ने उनको पकड़ा, लेटते ही गोपी का इशारा था कि आप प्लीज रेफरल मांगे। जी हाँ, कुलवीर को देखे, कुलवीर के कमीज पे देख के ऐसा पता चल रहा है कि वहां पे टच हो चुका है, तो पंजाब थंडर के ही पक्ष में और ये अंक अब जाएगा थंडर के पक्ष में, दो अंकों से आगे अब। ये तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कैमरामैन तो हमारे ही है लेकिन उनका शरीर बदल चुका है। प्लास्टिक सर्जरी, बहुत लंबी प्लास्टिक सर्जरी है। लेकिन यहाँ पर यो-यो टाइगर्स और पंजाब थंडर के बीच में भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बढ़िया स्टॉपिंग का मुजहरा, क्या एक अंक लेने में कामयाब रहेंगे? जी नहीं, हैप्पी ने संतुलन रखा शरीर का और अंदर ही है अभी भी, और एक अंक साफ तौर पे लेके गए। बढ़िया कोशिश यादा द्वारा भी, यादा के लिए उनका चौथा स्टॉप इस मैच में और बहुत बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। I hope, जैसे अच्छा है इन्होंने ये सिर उतार दिया, ऐसा ना हो कि ये भी करतब दिखाने लगे कबाब की तरह और थोड़ी देर में इनको हड्डी ढूंढते हुए आए कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर सुल्तान सिंह आज मैच में वापसी करने के बाद अपना करतब और अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखलाते हुए और उनको अप्रिशिएट करते हुए रमनदीप सिंह, वैंकूवर लायंस के खिलाड़ी जिनको हैप्पी कटाला भी कहते हैं, क्राउड में बैठे हुए आज। जी हां, वैंकूवर लायंस कल एक्शन में होंगे, उनका मुकाबला होगा रॉयल किंग्स यूएसए के खिलाफ, एक का और बहुत अहम मुकाबला खासकर लायंस के लिए, क्योंकि कल जीतने के बाद वो 12 अंक तक पहुंच चुके हैं और अगर कल यानी आने वाले कल जीत लें तो लाहौर लायंस को पीछे छुड़ा के 5वें स्थान पे पहुंच जाएंगे। यहां पे संदीप कुमार एक और अंक लेके जाते हुए, वैंकूवर लायंस की बाकी की टीम स्टॉप लाइन एक साथ बैठी हुई। क्या अक्सर खेल में ऐसा ही होता है अंजुम? हालांकि आप ऑफ कोर्स ऑलराउंडर रही थी, लेकिन बल्लेबाज एक साथ, गेंदबाज एक साथ? नहीं दिबायन, ऐसा कभी भी नहीं होता कि बल्लेबाज एक साथ हो, वो मैच में इकट्ठे खेलते हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि ओवर के बाद आके आपस में बात कर लेते हैं। बहुत ही कम होता है कि सारे बल्लेबाज और गेंदबाज इकट्ठे बैठे हों, तभी कहते हैं ऑलराउंडर्स का बोलबाला है। और फिलहाल वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का भी बोलबाला है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स। आपको ये भी याद दिला दे कि हम सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे facebook.com/worldkabaddileague, ट्विटर पे @WKLtweets, और आप ये खबर भी अपने दोस्तों को या जितने भी प्रशंसक है कबड्डी के दुनिया भर में उनको बता दीजिए कि youtube.com/worldkabaddileague14 पे जाके आप सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं। फिलहाल एक और अंक मिलता हुआ जोबन को, पहली रेड करने के लिए आए थे मनजोबन जीत, और देखिए जिस तरीके से भोपाल ने स्वागत किया है इस खेल का, बहुत बहुत काबिले तारीफ। जी हाँ यकीनन, जिस तरीके से शुरुआत करी है इस मैच में यो-यो टाइगर्स ने, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने भी इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में बढ़िया शुरुआत करी थी, लेकिन सडनली जो एक मोमेंटम था वो खो गया, इसी वजह से निचले क्रम के लीग टेबल पे नजर आती है ये टीम। पर हर बार जब भी मैच खेलने आती है तब ऐसा लगता है कि शायद आज इनका दिन हो, शायद एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिले। और एक उम्दा चीज बोले थे टॉस में उनके कप्तान मनमिंदर, जब अजय से बात कर रहे थे, ये कहा कि टीम ने काफी की प्लेयर्स को बीच बीच में मिस किया था, और मनमिंदर जो कि अगले रेड के लिए आ रहे हैं ये कह रहे थे कि आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ,
हमारे साथ जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं वो भी 100% में वापस आ गए, और जब हमारे खिलाड़ी या अनफिट थे तब भी हम लगभग बहुत क्लोज मार्जिन से हार रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट गवाया है, या ये कहें बेहतरीन तरीके से सुखमनजीत ने ये जीता है। जी हाँ, इसके लिए तो इनको दो अंक मिलने चाहिए सुखमनजीत को, क्योंकि जो स्टार रेडर है वो है मनविंदर, सिर्फ रेडर ही नहीं कप्तान भी है, तो यकीनन जब इनसे आप एक अंक ले लेते हैं तो दो अंक का बराबरी हो सकता है पंजाब थंडर्स के लिए। दूसरी ओर सुल्तान की भी आज वापसी हुई है, एक रेड मिस करने के बाद सारे रेड उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किए हैं, 5 लगातार उसके बाद, और दूसरी ओर तिंदा परजिया ने 5 में से 5 कन्वर्ट किए हैं, यानी पंजाब थंडर फिलहाल इस मैच में पूरी तरह से हावी। तंबर रमन यहां पे कहते हुए, टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप्स, लखा चीमा कैरी ऑन। Very well said, Raman here. Very, very well said. Teamwork and intelligence. Actually, there are two key words in any team sport. And that's what brings laurels. That's what brings victories. So good. And a good thought as well. Well, he is outstanding with his stops. But check out that hairstyle. That is absolutely magnificent. I think that can give a run for its money to any of the hairstyles in the Wave World Kabaddi League. I think he's an all-star team fan. So he's got a star on his neck. We've got another skipper in Sandeep Nangalambia, jinke bhi gale par ek star hai. Aur Lakha Chima, wo to sar pe hi sitara leke ghumte hain. Tinda ka bhi ek tattoo star bilkul gardan pe, yani star se bharpoor ye Wave World Kabaddi League. और उनमें से एक लखा, यहाँ पे देखिए शक्ति का प्रदर्शन, बल का प्रदर्शन, बेहतरीन उपयोग, यहाँ पे बचना मुश्किल है हैप्पी के लिए, हैप्पी इज अ लिटिल अनहैप्पी नाउ। क्यों ना हो, क्योंकि लखा चीमा द ऑल स्टार मैन, सिर्फ पकड़ा ही, जकड़ा नहीं, जाफा कैंची सब कुछ का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी बढ़िया जकड़ दी कि कोई मौका नहीं हैप्पी को निकलने का, बल का सही उपयोग। अगला रेड अगर कन्वर्ट कर लेंगे गुरप्रीत गोपी तो 8 अंकों का फासला बन जाएगा, यानी पंजाब थंडर जैसे कि कई मैचेस में उन्होंने किया है बहुत जल्दी एक मैच पे पकड़ बना रखते हैं, और वहां से बाकी या दूसरे टीम के लिए वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था, इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में अब तक 3 मैच लगातार कभी नहीं जीते हैं, लेकिन आज वो मौका है, वो दस्तूर भी है, और क्या पता शायद वो अंजाम भी दे दें। यहाँ पे एक और अंक यानी 8 अंकों का फासला और बढ़ता हुआ, और साफ तौर पे इस वजह से भी बढ़ता हुआ जो उनके टीम मैनेजमेंट यो टाइगर्स के जो उनके चेहरे बतला रहे हैं, ना खुश, गुस्से वाले, अपसेट, क्यों ना हो। संदीप के लेफ्ट नी पे हैवी स्ट्रैपिंग देखिए, उससे जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि फुर्ती उनकी एक बहुत बड़ी मजबूती है, हालांकि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई। लखा चीमा ने भी, इसको हम स्ट्रैपिंग नहीं कहेंगे, इसको हम पैडिंग जरूर कहेंगे, क्योंकि घुटनों पे बहुत गिरते हैं, इस वजह से कई खिलाड़ी प्रेफर करते हैं कि उनके घुटनों के ऊपर नी पैड्स हों, थोड़ी स्ट्रैपिंग हो ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। ज़्यादातर इस खेल में, कबड्डी के खेल में देखा गया है कि एंकल्स और नीज के ऊपर टेप्स या स्ट्रैपिंग कहते हैं जिसको हम खिलाड़ी लगा के खेलते हैं। कई दफा अगर आपको पुरानी इंजरी हो तो ज्यादा इंजरी ना हो, रिकवरी धीरे धीरे हो रही हो, उसके लिए भी स्ट्रैपिंग लगाई जाती है, बट नेवरदलेस अगर आपकी स्किल अच्छी है, जैसे राणा निशानियां सामने लगे हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दर्शकों को ये जरूर बता दें कि ये मैट जिस सरफेस का बना है उसके वजह से स्किन पे बहुत असर पड़ता है, आप कभी भी रोकने जाए तो जिस तरीके से कोई भी आपके अंग का पार्ट अगर वहां पे लगे तो वहां पे जलने की बहुत गुंजाइश रहती है, और उसके बाद चोट बहुत लगती है, तो स्किन का केयर करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से काफी खिलाड़ियों का आप देखेंगे, जैसे कि अंजुम कह रही थी, एक नी पैड पहन के खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुलवीर बेहतरीन स्टॉप, तिंदा को पहली बार रोकने में कामयाब रही है स्टॉप लाइन, योयो टाइगर्स की एक का पलटवार यहाँ पे, और दूसरी बार रोके गए हैं आज के मैच में। यकीनन अगर अपनी स्किल को बैक करें, अपनी क्षमता पे खेलें, तो योयो टाइगर्स की स्टॉप लाइन भी किसी और टीम से कम नहीं आंकी जाएगी।
और हमेशा एक शब्द कहते हैं कंसिस्टेंसी, और वही इन टीम के साथ कम से कम दिखाई देती है। इस मैच में कंसिस्टेंसी के साथ लखा चीमा परेशान जरूर कर रहे हैं रेडर्स को, यहां पे फिर से गिराने में कामयाब, बेहतरीन तरीके से रोका है। लखा चीमा के लिए एक और स्टॉप पॉइंट यहां पे मिल जाएगा, और अगर ये कारनामा कर देंगे तो इस मैच में उनका तीसरा स्टॉप। क्या बेहतरीन रिकवरी थी, क्योंकि गुरसेवक एक वक्त उनसे काफी आगे चल रहे थे। जी हाँ, बहुत आगे चल रहे थे, और यहाँ पे शायद चोटिल भी हुए हैं, ग्रोइन पे हल्की शायद उनको चोट लगी है। ओहो, हैमस्ट्रिंग भी थोड़ी सी, क्योंकि देखिए पीछे से उन्होंने धक्का दिया। अब ये क्या अलाउड है नहीं अलाउड है, ये जरूर रेफरी के ऊपर निर्णय जरूर जाएगा। बट अगर ताकत की बात करें तो लखा चीमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और भारी शरीर के हैं गुरसेवक। जी, मेरे ख्याल से रेफरी वहां पे बिल्कुल सही पोजीशन में थे, और इसी वजह से बहुत लेट डिसीशन भी दिया, और ऐसा हो सकता है कि बचने की कोशिश में शायद खुद से थोड़ा सा स्टंबल करके गिरे हों, लेकिन जैसे भी हो बहुत बड़े शरीर के हैं और इसी वजह से काफी चोटिल हो चुके हैं। लेकिन लग रहा रेड इसी बीच शुरू हो चुका है, 7 अंकों का फासला, गोपी उसे 8 अंक का करने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ, गोपी भी एक युवा खिलाड़ी हैं इस पंजाब थंडर की टीम की लाइनअप के अंदर, और बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन जितनी देर भी खेले हैं आई थिंक इनका तीसरा या चौथा मैच है पंजाब थंडर की टीम के लिए। लेकिन जब जब भी खेलते हैं इनको पूरा मौका दिया जाता है कोच द्वारा अपनी स्किल दिखाने का, अपनी लय प्राप्त करने का, ताकि कम से कम अगर ऑप्शंस कभी भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़े तो भरमार हो। मैजिक स्प्रे का उपयोग मेडिकल डेस्क से, लेकिन यहाँ पे हैप्पी को फिर से रोकने में कामयाब रहे हैं यादा सुरपुरिया, और यादा की वो पकड़ होती है जिसे हमारे साथी कमेंटेटर अजय कई बार कहते हैं, अजगर जैसी पकड़, इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक और स्टॉप यादा सुरपुरिया के लिए इस मैच में, कुल मिला के उनके लिए ये 5वां स्टॉप। और यादा तो अभी तक के मैच के अंदर नॉन स्टॉप बढ़िया प्रदर्शन करते जा रहे हैं, 5 स्टॉप्स लगातार कर चुके हैं इस मैच के अंदर, और वो भी 6 प्रयासों में। दैट मीन्स मैथमेटिकली आप जरूर कहेंगे कि 100% नहीं है, लेकिन अगर 90% भी है तो किसी भी मुकाबले में 90% स्टॉप्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। एब्सोल्युटली, इस मैच में फिलहाल पंजाब थंडर बहुत बहुत डोमिनेंट पोजीशन में, 10 अंकों से पिछड़ रही है योयो टाइगर्स की टीम। संदीप कुमार अब फिर से आ चुके हैं, वही लेफ्ट नी पे स्ट्रैपिंग लेके, और शायद उसी वजह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक अच्छे कमिटेड खिलाड़ी की पहचान। संदीप ने आज हालांकि 2 रेड्स मिस किए, लेकिन उसके अलावा उनका परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेमिसाल। थोड़े से चोटिल हैं शायद इसी वजह से, आज हल्के से नाखुश भी, पर सामने टिंडा का, इनको कौन रोकेगा। 6 सक्सेसफुल रेड्स अभी तक, और सामने 7वें की कोशिश, पर गुरध्यान सिंह कड़ी चुनौती देते हुए, आसान नहीं होगा टिंडा को, बट क्योंकि तेज हैं, स्विफ्ट हैं, लगातार निकलते जा रहे हैं, और थोड़े से नाखुश कह रहे हैं कि आप रोकने की कोशिश भी करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, मुंह पर प्रहार ना करें तो ही अच्छा। जी हाँ, तौल लगाने की कोशिश जो एक बहुत ओल्ड फैशन तरीका है, और इस लिहाज में एक बहुत मजेदार वाक्य आपको सुनाऊं। जब भोपाल आ रहे थे तो साथ साथ हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी वैंकूवर लायंस की टीम, तो गगन सबरावा भी साथ में खड़े हुए थे या हमारे साथ बैठे हुए थे, तो उनसे उनके कान को देख के मैंने बोला कि क्या पहले रेसलिंग क्या करते थे, ऐसा दिखता है। तो उन्होंने कहा, नहीं जी, पंजाब में जो कबड्डी हम खेलते हैं उसमें सब कुछ चलता है, उसमें आप मुक्के लात मत मारिए, उसके अलावा सब कुछ चलता है, और उसमें टाइम की कोई अवधि नहीं होती, यानी 30 सेकंड तो यहाँ पे अवधि है, वहाँ पे आप कहीं 2 मिनट लगाइए, 5 मिनट लगाइए, बस आपको एक जो आपके सामने स्टॉपर है उसके पार जाना है, बस उसके आगे कुछ भी करिए, कैसे भी करिए। काफी हैवी ड्यूटी बैटल रहती होगी, पहले के क्रिकेट मुकाबले आई थिंक याद आते हैं कि प्ले टिल फिनिश होता था, तो उसमें कोई 4 दिन 5 दिन का समय नहीं रहता था, प्ले टिल फिनिश, उसके अंदर आप अगर एक टीम 600 रन बनाती है, दूसरी टीम 700 बनाती है, तो चलता रहता था मुकाबला जब तक दोनों तरफ से 40 विकेटें नहीं गिर जाती।
तो कुछ वैसा जरूर व्यतीत होता है, पर क्रिकेट उस समय से चलकर आज तक T20 और सिक्स साइड तक पहुंची है। मुझे लगता है ये भी एक रेवोल्यूशन रहेगा कबड्डी के अंदर कि प्ले टिल यू कैन गेट स्टॉप्ड और यू स्टॉप आफ्टर 30 सेकंड्स। जी हाँ, हर खेल में एक, जैसे कि अंजुम बता रही है, एक वक्त रहता है, उसका एक टाइमलाइन रहता है जिस तरीके से एक गेम डेवलप करता है, और उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप कहा जा सकता है ये वेव कबड्डी लीग। इसी बीच एक खबर आई है कि गुरध्यान सिंह को एक येलो कार्ड दिखाया या ग्रीन कार्ड दिखाया गया है क्योंकि ज्यादा बहस कर रहे थे ऑफिशियल्स के साथ। फिलहाल योयो टाइगर्स इस मैच में 9 अंकों से पिछड़ते हुए, यानी कम से कम 5 स्टॉप्स करने पड़ेंगे और तब वापसी कर पाएंगे इस मैच में। गुरध्यान को अभी थोड़ी सी फिलहाल अटेंशन मिलती हुई क्योंकि आंख के ऊपर चोट लग चुकी है उन्हें। सुल्तान सिंह जब ये खेलते हैं तब पंजाब थंडर्स की टीम के अंदर एक अलग ही ऊर्जा नजर आती है। पिछले 2 मैचेस के अंदर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, चोटिल थे। रॉयल किंग्स यूएसए और वैंकूवर लायंस दोनों के कोचिंग स्टाफ साथ साथ बैठे हैं, लेकिन कल जरूर इनमें उतनी दोस्ती नहीं होगी क्योंकि दोनों का मुकाबला होना है तो शायद बातों में थोड़े से सीक्रेट्स निकालने की कोशिश हो रही हो, या हो सकता है सीक्रेट्स निकलवाने की कोशिश भी हो, इसीलिए साथ बैठे हैं। टिंडा फर्जिया आज के मैच में सिर्फ एक बार उन्हें रोकने में कामयाब, और वो एक मात्र स्टॉप हुआ है दूसरे क्वार्टर में योयो टाइगर्स की ओर से जब कुलवीर उन्हें रोकने में कामयाब रहे थे। इस बार जगदीप काका चुनौती पेश करते हुए सामने आ चुके हैं, लेकिन बच निकलेंगे। एक शक्ति का अच्छा प्रयोग किया यहाँ पे, उनके डिमीनर देखिए, उनकी फिजिक देखिए, जानते ही हैं, बॉडी लैंग्वेज से साफ कुछ पता चल जाता है कि कितने स्ट्रॉन्ग रेडर हैं और कितने स्ट्रॉन्ग स्टॉपर हैं वो। संदीप रंगालाम्बिया की बॉडी लैंग्वेज और फिजिक देख के भी पता चलता है, यानी जितने भी यूनाइटेड सिंग्स के फैंस हैं वो नजर घड़ाए रखिएगा क्योंकि अगला जो मैच होगा यूनाइटेड सिंग्स का, उसमें पहला स्टॉप जो करेंगे यूनाइटेड सिंग्स के लिए संदीप नांगलाम्बिया, वो उनके लिए शतक पूरा कर देगा, क्यों ना हो। पर इसी के साथ दूसरे क्वार्टर की समाप्ति और पंजाब थंडर्स अच्छी खासी लीड में। जी हां, 9 अंकों की बढ़त, यानी बेहतरीन एक स्टॉपिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी, और खासकर